व्यक्ति अपने जीवन में जाने अनजाने बहुत से ऐसे कार्य कर बैठता है जिसके दुष्परिणाम उसे बाद में झेलने पड़ते हैं। यहाँ कुछ ऐसी कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया है जिनको करने से व्यक्ति की ना सिर्फ उम्र घटती है अपितु वह पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। बासी भोजन खाना, खाने के दौरान और बाद में पानी पीना, थाली में ही हाथ धोना, टूटी हुई प्लेट में भोजन करना आदि कार्य करने से व्यक्ति गंभीर रोग से और शोक से ग्रसित हो जाता है। इसके अतिरिक्त अधिकतर समय अकेले में भोजन करना, खाने में नमक कम, मिर्ची ज्यादा आदि की कमियां निकालना भी उचित नहीं है। इन नियमों का पालन नहीं करने से बवासीर, कब्ज, कैंसर आदि रोग हो सकते हैं। इसके साथ ही व्यक्ति के घर की बरकत भी चली जाती है। जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर स्वयं को स्वस्थ नहीं रखता उसकी उम्र भी कम होती है। इसके अतिरिक्त घास के ढेर पर या कंकाल पर बैठने से व्यक्ति मृत्यु के नजदीक पहुंचता है। कम सोने और अधिक समय तक जागने से संतुलन बिगड़ जाता है। टूटे पलंग पर सोना, पैरों के ऊपर पैर रखना या दक्षिण दिशा में पैर करके सोने से व्यक्ति की उम्र ही नहीं घटती अपितु भविष्य पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना, अधिक समय तक जागना, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने से उम्र घटती है। मंगलवार और शनिवार को बाल कटवाना, उसके बाद स्नान न करना, लंबी दाढ़ी या बाल रखना, बाल नोचना, बालों को हाथों से तोड़ना आदि कार्य करने से उम्र कम होती है। इसी तरह बिना स्नान करे चंदन का लेप लगाने से जिंदगी के कई साल कम होते हैं। बालों में तेल लगाने के बाद बिना धोए यही हाथ शरीर के अन्य अंगों को स्पर्श करते हैं तो ऐसे में व्यक्ति की उम्र कम होती है। अधिकतर लोग रात को वस्त्र धोकर बाहर सुखाने के लिए डालते हैं। यह वास्तु नियमों के विरुद्ध है। दूसरों से वस्त्र मांगकर पहनना, अन्न मांगकर खाना और हर कहीं का जल बिना जांचे ग्रहण करने से भी उम्र घटती है। दिन के समय और मंगलवार को संभोग करने से व्यक्ति की उम्र तो घटती है, इसके साथ ही गंभीर रोग भी हो सकते है। मंगलवार को संभोग करने से जीवन में अचानक किसी शोक का सामना करना पड़ता है। अधिकतर लोग विलास और काम वासना में लिप्त व्यक्ति कई लोग उंगलियां या गर्दन की हड्डी चटकाते रहते हैं। इससे दरिद्रता बढ़ती है। लंबे समय तक उंगलियों को चटकाने से बुखार, जोड़ों के दर्द जैसी बीमारी हो सकती है। किसी भी प्रकार का नशा करने से सुख समृद्धि और सेहत सभी एक समय बाद नष्ट हो जाती है। नशा धनवान व्यक्ति को भी गरीब बना देता है।